हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल में उत्तराखंड व्लॉगर भावना भट्ट में। और आज है 6 तारीख है और आज बुधवार है, तो बच्चे नहा रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी? 10:30, 11:15 हो रहा है। तो दोनों बच्चे नहा रहे हैं, लेट से ही उठते हैं और फिर नहाना धोना करते हैं। नाश्ता उन्होंने कर लिया, हमने भी कर लिया और किचन की भी पूरी साफ सफाई पूरा क्लीन करके आ गई हूँ। और मैं बैठी हूँ, घर में भी पूरी साफ सफाई हो गई है, सब मतलब उधर 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 यहाँ वहाँ सब साफ हो गया। और मैं यहाँ पे चेयर में बैठी हूँ और आज मैंने बनाने की सोची है रसगुल्ला। अब नाम तो इतना प्यारा है, बनेगा नहीं बनेगा मुझसे पता नहीं। बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं। अंशु जरा धीरे बोलो। मैं दूसरे कमरे में आ गई क्योंकि ये लोग ना चिल्ला रहे हैं बहुत, तो आवाज आ रही है। एक तो टीवी खोला है और ऊपर से इनकी बोलने की आवाज आ रही है। तो आज मैं रसगुल्ला बनाऊंगी, रसोगुल्ला। बंगाली, शायद बंगाली डिश है वो, मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि वहीं के लोग बोलते हैं ज्यादा, तो बंगाली ही होगी। और मैंने आज ये वाली कुर्ती पहनी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। इसको पहन के मेरा कलर एकदम से खिलने सा लगता है। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने अपने चेहरे में अभी तक कुछ नहीं लगाया, सिर्फ बिंदी सिंदूर और थोड़ी सी क्रीम बस हो गया और कुछ नहीं लगाया है। और बहुत लोग सोचते होंगे कि झूठ बोलते, नहीं सच में कुछ नहीं लगाया है। और आईब्रो भी इतनी भयंकर हो गई, इनको निकालने का टाइम भी नहीं हो रहा है मुझे। तो चलिए और बातें करते हैं। और मैंने कल डाला था वो वाली वीडियो, मुझे डालती मैं भूल गई, याद नहीं आने। चलो कोई दूसरी वीडियो में बात करेंगे उसकी। तो कल को है 7 मई है और बहुत स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन कैसे है क्योंकि 7 मई को, कल को हमें यहाँ अपने इस घर में आए हुए 1 साल हो जाएगा, तो 7 मई के दिन हम आए थे। और 7 मई को ही मेरी दीदी की एनिवर्सरी होती है। दीदी की शादी 2007 में हो गई थी, तो कल 7 मई है, उसकी एनिवर्सरी भी है। और हमारे घर, इस घर का जो गृह प्रवेश हुआ था उसको भी 1 साल हो जाएगा। तो कल मिले स्पेशल डे, और मई वैसे भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरा जन्मदिन भी मई में हुआ है, मेरी शादी भी मई में हुई है और हम इस घर में भी मई में आए हैं, तो मई मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो कल स्पेशल दिन है हमारे लिए। तो ये वीडियो तो कल को आएगा और आज हम बनाएंगे रसगुल्ला क्योंकि कल स्पेशल है, तो आज से तैयारी करेंगे। तब बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये नहीं पता है, जब बनाएंगे तब पता चलेगा। और मैंने आज से पहले कभी बनाया नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। बने चाहे ना बने मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, टूटा फूटा अच्छा गंदा जैसा बनेगा ऐसा शेयर करूंगी। तो और क्या कर रही थी मैं, यही बोल रही थी। और एक चीज बनाने की सोची, जैसे ना साड़ी, जैसे हम बहुत सारी साड़ियां होती हैं उसके आगे का जो आंचल होता है, जो पल्लू होता है, नहीं पल्लू नहीं ब्लाउज होता है, जो ब्लाउज, तो हम ऐसे करते कि बहुत सी साड़ियों में कॉटन के ब्लाउज चला लेते हैं या बहुत सी साड़ियों में कि इस साड़ी का इस साड़ी में चल जाएगा, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं भी ऐसे करती हूँ। और जो पुराने ब्लाउज बच जाते हैं तो उससे मैं बनाऊंगी अपनी माता रानी के लिए लहंगा। तो जो मैंने अभी अपनी माता रानी को पहनाया है वो भी ऐसे ही बनाया हुआ है, जब मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, इसलिए मैं बना रही हूँ। ज्यादा कठिन चीजें मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, हो नहीं पाता, फिर खाली सामान का वेस्टेज आता है, इसीलिए। तो मैं आपको उसको दिखाऊंगी, तो देखा होगा मेरी वीडियो में जो मैं माता रानी को पहनाया रहती हूँ, तो मैं बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करती वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा लंबा हो जाएगा। और रसगुल्ला बनाऊंगी। अरनित नहा के आ गया है, वहां पे चेयर में बैठा हुआ है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को उसको। गंदी बात बोल रहे हैं ये अरनित नहा के। नाई नाई करी किन्नी कलाई बब्बू को, नाई नाई किन्नी कलाई बब्बू को, नाई नाई छाबा छाए आपने दीदी। तो
चलिए फिर अभी जब बनाना स्टार्ट करती हूँ, दूध दूध रखती हूँ तो वो दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए चलते हैं, बनाते हैं रसगुल्ला। और आज की डिश है, और मिले एक वो भी है, टास्क भी है। तो मैं आपको पहले मैं अपनी माता रानी के कपड़े दिखाती हूँ जो मैं बोल रही हूँ। ये वाला बनाया था मैंने इस तरीके। तो और बनाऊंगी फिर मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। ये लेस मेरे पास पड़ी हुई है इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो चलो बाद में बात करेंगे, शायद आज नहीं बनाऊंगी, कल परसों तक देखती हूँ कब बनाऊंगी, जिस टाइम मुझे मौका लग जाएगा तब। और बच्चों का होमवर्क भी कराना होता है, अंशिका का भी, अरनित का, तो टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो चलो फिर मैं इनको काम भी कराती हूँ, अपना काम भी करती हूँ, खाना रसगुल्ला बनाने का। और आज खाना क्या बनेगा, दाल चावल बनाऊंगी। हाँ कल की राजमा भी पड़ी है, थोड़ी राजमा हो जाएगी, थोड़ी दाल कुछ और बना लूंगी तो वो बनाएंगे राजमा चावल। वो भी नहीं दिखाऊंगी मैं अपनी वीडियो में, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसीलिए। तो चलिए रसगुल्ला बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना भाई, आप उपकार कर दोगे मेरे ऊपर, सब्सक्राइब कर दोगे और मेरी वीडियो को फुल वॉच कर दोगे। तो चलो फिर रसगुल्ला बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में रख लिया है दूध, तो दूध को गर्म करने के लिए रख लिया है। और दूध जो है फुल आंच में गर्म करना है, और दूध को इस तरीके से घुमाते घुमाते गर्म करना है। दूध में मलाई नहीं लगने देनी है, और एकदम से जब उबाल आता है तो उसको सीधे बंद कर देना है। और उबाल आने के बाद भी दूध को इस तरीके से हिलाते रहना है, दूध में मलाई बिल्कुल नहीं लगने देनी है। और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए अगर अपनी छेने का, तो आप गाय का दूध लें, या फिर इस दूध को, मतलब जो दूध है इसे गर्म करके फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए, मतलब ठंडा होने के बाद। तो ठंडा होने के बाद जब फ्रिज में रख दोगे, मलाई निकालोगे, उसके बाद दोबारा इस दूध को गर्म करके फिर इसका छेना तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ऐसा नहीं करा, तो थोड़ा सा इसकी वजह से गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि इसमें फैट ज़्यादा होती है इस गाय के दूध में, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने ठंडा करने के लिए रख लिया है, और ये मैंने ले लिया है विनेगर, जिससे मैं दूध को फाड़ूंगी। तो मैंने पानी ले लिया, पानी में मैंने 3 चम्मच विनेगर डाल लिया था, 2-3 चम्मच जितना भी आपको, मैंने 3 चम्मच डाला था। तो बताने वाले 2 बता रहे थे, तो फिर मैंने 1 चम्मच और ऐड कर लिया था, 3 चम्मच कर लिया था। होता है ना कि मतलब अपना मन नहीं मानता, इसलिए मैंने 3 चम्मच डाल लिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते रहूँगी विनेगर को, और पानी और विनेगर का जो घोल बनाया है। और जिस टाइम हम दूध को उबालते हैं उस टाइम बिल्कुल ना डालें, क्योंकि जिससे जो है छेना टाइट सख्त हो जाता है, इस तरीके से सॉफ्ट होता है बाद में करने से। और दूध उबल जाए इसके जस्ट बाद भी नहीं डालना होता है, जब दूध 1-1.5 मिनट हो जाए उबले हुए उसके बाद। और देखिए यहाँ पर ये बनके तैयार है, दूध में से पानी पानी सा अलग हो गया है, जिसमें दूध का कलर नहीं है, सिर्फ पानी का जैसा कलर है, और छेना अलग हो गया है। और विनेगर को थोड़ा 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 करके डालें, एक साथ नहीं डालें इसमें, क्योंकि पानी में, मतलब दूध में जो विनेगर है एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डाले। और इसके बाद मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, जब ये ठंडा हो गया था तो एक कपड़े में मैंने छान लिया है, और इसका पानी अलग कर लेंगे और छेने को अलग कर लेंगे, जो फाड़ा मतलब फटा दूध हमने फाड़ लिया, जो इसका जो भी निकला है ये पनीर या छेना जो भी बोल सकते हैं। और इसको मैंने निचोड़ लिया है, और अच्छी तरीके से 5-6 पानी इसको धो लूँगी, जिससे क्या होगा कि इसमें से जो विनेगर की खटास है वो निकल जाए। आप चाहे नींबू डाल के भी फाड़ सकते हैं, या इस तरीके से भी। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं किचन में काम करने से, इसीलिए मैं लोअर टी शर्ट पहन के आ गई थी अपना काम करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों में दाग से लग जाते हैं, फिर वो गंदे लगते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मैंने धोने के बाद इसको निचोड़ लिया है, और इसे निचोड़ने के बाद 4-5 पानी धोने के बाद और निचोड़ने के बाद मैं इसे आधे घंटे के लिए टांग लूँगी। सिर्फ ये आधे घंटे के लिए ही टांगना है, क्योंकि ज़्यादा टांगने से इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। तो इसको बिल्कुल सूखा नहीं चाहिए, हल्का मॉइस्चर वाला चाहिए, मतलब हल्का गीला गीला होना चाहिए इसलिए। और यहाँ पर मैं चाशनी बना के तैयार कर ले रही हूँ। मैंने 1 कप चीनी ले ली है, और इस कप का चौथा, मतलब इससे 4 डबल 4
कप मैंने पानी ले लिया है, एक कप चीनी तो चार कप पानी, तो इस तरीके से बना लिया। यहाँ पे मैं इसको पानी को चाशनी को तैयार होने के लिए रख लेती हूँ, हल्का सा चीनी को इसे घुमा लेती हूँ इसमें, और तब तक मैं छेने का काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये छेना ले लिया जो बनके बिल्कुल रेडी है, और इसको मैं हाथ से मिक्स कर लूँगी, और जो इसमें दाने दाने से वो बिल्कुल नहीं होने हैं, और दाने बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने हैं। जो हाथ का हमारा ये होता है पंजा होता है, इससे दबा दबा के इसको करना है, हो जाता है 5 मिनट में, आसानी से हो जाता है, टाइम नहीं लगता। लग रहा देख के कि नहीं होगा, पर हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। इस तरीके से करते रहे करते रहे, इसमें से एक तेल सा निकलने लग जाता है, तो वो चीज़ जब हो जाएगा सब अच्छे से आटा जैसे इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए अभी हो गया है, इसमें मैं इसमें एक चम्मच आरारोट मिला ले रही हूँ, तो सिर्फ एक चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, और इसको भी इसमें मिक्स कर लेती हूँ। आरारोट डालने से क्या होता है, ये एक सा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, चिपकेगा, मतलब आपस में चिपकेगा, जो छेना है चिपकने लग जाएगा, जिससे लड्डू बनाने में आसानी होगी। तो इसको भी अच्छी तरीके से गूंद लूँगी आटे में, पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और बिल्कुल दाने नहीं रखने हैं, तो दाने अच्छे से तोड़ लेंगे इसके बिल्कुल। और यहाँ पर ये बनके रेडी है, आटा सब बन गया। अब इसकी छोटी छोटी सी मैं गोलियाँ कर लूँगी, कम से कम मेरे 13-14 बने हुए थे, और बहुत अच्छे बने हुए थे और टेस्टी भी हुए थे। और अनित ने तो जहाँ से एक स्टार्ट हुआ था वहाँ से खाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ से छेना बना था वहाँ से वो छेना खाना लग गया था, सिर्फ मतलब जो दूध को फाड़ने के बाद निकला था अनित तब से खा रहा था, जब तक लास्ट तक का खाने में था। तो ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से इसे मैं बना लूँगी लोई को, और लोई बनके बिल्कुल एकदम से रेडी है। लोई कहीं से टूटी हुई दरार वाली नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके से मतलब चाशनी में उबाल आना चाहिए, तब हमें छेना डालना है। और जब हम दूसरा डालेंगे तो तब तक भी मतलब चाशनी से ठंडा नहीं होना है, नीचे से इस तरीके का उबाल आना है, तब हमने दूसरा डालना है, मतलब बिना उबाल आए नहीं डालना है, क्योंकि पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, इसीलिए चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से उबाल आते रहे और आप इनको डालते रहिए, और एक एक करके मैं सारे बनाते रहूँगी, पकाते रहूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये फूलने लग गए हैं जाके चाशनी में, तो बड़े होने लग गए हैं, और इसकी चाशनी बिल्कुल पतली करनी होती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा बहुत पतली सी होती है। यहाँ पे मेरे सारे बनके रेडी हो गए हैं और ये फूलने लग गए हैं, और एक आध जो थे मैंने चम्मच से हिला दिए तो वो टूट गए थे, तो चम्मच से इनको हिलाना नहीं है, इनको बस अपने आप बड़े होने देना है, पकने देना है 5 से 10 मिनट तक के बीच में, ढक्कन मैंने यहाँ पर लगा लिया, इस तरीके से बन गए। चलिए फिर वीडियो का यहीं पर करते हैं, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।